अमेरिका में एक बार फिर सरकारी शटडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। सीमा की सुरक्षा को लेकर बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका है। हालांकि शटडाउन को रोकने की कोशिशें चल रही है। सीनेट के एप्रोप्रिएशन कमेटी के चेयरमैन रिचर्ड शेल्बी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई है। इस कमेटी में प्रतिनिधि सभा और सीनेट के 17 सदस्य शामिल हैं। वहीं बातचीत रुकने के बाद ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पर निशाना साधने के लिए ट्विटर को हथियार बनाया। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीमा सुरक्षा पर कमेटी में शामिल डेमोक्रेटिक सदस्य को उनके नेतृत्व कोई समझौता करने देगा। सीमा पर अति आवश्यक दीवार के लिए जो बहुत छोटे बजट का प्रस्ताव कर रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कांग्रेस से लगभग 35,000 करोड़ रुपए का बजट मांग रहे हैं, जबकि सांसद बैरियर लगाने के लिए 1.3 अरब से लेकर 2 अरब डॉलर तक देने को तैयार दिख रहे हैं। विपक्षी डेमोक्रेट ने पहले भी ट्रंप के बजट को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका को 35 दिनों तक सरकारी शटडाउन का सामना करना पड़ा था।